Okay. The outsourcing employer, outsourcing. Musi River ke pass two ladies ka dead body mila tha aur ye 21st night ko ye murder hua jiska ki reporting 22nd ko hua police station mein aur 1 week ke andar Hyderabad city police mein task force west zone CCL sab log milkar ये केस को डिटेक्ट किए। ये सेंसेशनल मर्डर केस जिसमें दो लेडीज का बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ था और इसके बाद 1 वीक के अंदर जब केस का डिटेक्शन हुआ तो उसके उसमें अक्यूज और डिसीज सबके बारे में जानकारी इस प्रकार से है। अक्यूज इस केस का अंकुर गिरी जो कि स्वीपर का काम करता है जीएचएमसी में चंद्रायन गुट्टा एरिया में और ये पार्वती नगर उपूगुड़ा हैदराबाद का रहने वाला है। दोनों डिसीज का नाम इस तरह से है, यादम्मा एलियस रामुलम्मा वाइफ ऑफ राजू लेबर का काम करती है और नेटिव ऑफ अयोध्या नगर कॉलोनी मीरपेट बालापुर क्रॉस रोड हैदराबाद। दूसरी डिसीज सुमित्रा वाइफ ऑफ लेट लक्ष्मैया एज 45 ईयर्स ये भी अयोध्या नगर कॉलोनी मीरपेट बालापुर क्रॉस रोड के रहने वाले हैं। ये केस इस प्रकार से है कि 22nd को जब ये रिपोर्ट मिला पुलिस स्टेशन में तो बहुत सेंसेशनल केस था, दो लेडीज का मर्डर और इसके कंप्लेनेंट एम सुरेंद्र सिंह जो ऑक्यूपेशन बाय एग्रीकल्चरल लेबरर है और मेथी वेजिटेबल का कल्टीवेशन करते हैं मूसी रिवर में, उसी सिलसिले में जब ये लोग ये शाम को वहां पे गए थे मूसी के पास तो इनके पैर से एक कोई अननोन ह्यूमन बॉडी का टच हुआ और जब नीचे ये घास के नीचे देखे तो इन्हें नजर आया कि दो लेडीज का डेड बॉडी है। उसके बाद तुरंत ये नेबर जंगम वीरैया और वाइफ उमा को किराना शॉप पे तुरंत बताए अबाउट 15-30 आवर्स को और उसके बाद ये लोग डायल 100 कॉल करने के बाद तुरंत पुलिस 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई और उसके बाद डेड बॉडी को बाहर निकाला गया और कंसीडरिंग द फैक्ट कि ये बहुत सीरियस केस था टास्क फोर्स वेस्ट जोन और सीसीएस सभी लोग की तरफ मिलकर इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। ये केस का इन्वेस्टिगेशन में बहुत टेक्निकल इनपुट इन्वेस्टिगेशन बाई क्वेश्चनिंग ऑफ सस्पेक्ट और सभी चीज का यूज हुआ है। सबसे बड़ा चीज तो यह है कि करीब 50 से ज्यादा लोगों का इसमें एग्जामिनेशन हुआ और उनके तरफ से जो भी क्लूज मिला उसका उसको लिंक करना सीसीटीवी कैमरा से। सीसीटीवी कैमरा खास करके दत्तू नगर के पास जो टॉडी कंपाउंड है वहां पर सीसीटीवी फुटेज और 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी कैमराज हैं सबका वीडियो फुटेज एनालिसिस मोर देन 250 आवर्स ऑफ वीडियो फुटेज एनालिसिस। फिर उसके बाद आराम घर की तरफ से आने वाली जितनी गाड़ियां हैं उसका एनालिसिस, पिलर नंबर 118 उसका उसके पास जो कैमरा है उसका फुटेज और खास करके एक म्युनिसिपल लेडी उसका एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आया। और बाद में जब ये सब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद जब हमारी टास्क फोर्स की टीम अक्यूज के पास पहुंची तो सबसे बड़ा क्लिंचिंग एविडेंस ये था कि उसके बॉडी से जो डिसीज्ड का सेलफोन है वो बरामद हुआ और उसके साथ साथ जो डिसीज्ड के कान में गोल्डन ईयर स्टड थे उसका भी रिकवरी हुआ। इससे कंफर्मेशन हो गया कि जो अक्यूज है वही उन दोनों लेडीज को मर्डर किया। इसका बैकग्राउंड इस तरीके से है कि ये अक्यूज जो कि पूजा के नाम पे और कुछ करीब पिछले 8-9 साल से कभी कभी बोनालू में और इस तरह से अपना हल्दी लगाकर पूजा का काम करता था और जीएचएमसी में भी काम करता है साथ में, तो ये एक टॉडी के शॉप में रेगुलरली जाता था टॉडी पीने के लिए और वहां उसने उस दिन देखा कि दो लेडीज वहां बैठी हुई है और दोनों में बातचीत होने लगी। बातचीत के दौरान ये नोटिस किया कि वो लेडीज के कान में गोल्डन स्टड है, वहीं से इसके दिमाग में ये
जहन में ये बात आया कि इन लोग का अगर हम मर्डर कर देंगे कोई अकेले से सुनसान से एरिया में, तो इनका हम गोल्ड स्टड लेकर भाग सकते हैं। और इसी चक्कर में वो लोग प्लान करके उसको मूसी के तरफ ले गया। उसके बाद मूसी के पास ले जाने के बाद वो एक पत्थर से उसको लेडीज को मारा और साड़ी से उसको बांध करके मूसी रिवर में उसको ड्रैग भी किया आगे ले जाकर। तो ये सब जब रिकवरी होने के बाद हमारे टास्क फोर्स और सब लोग मिलकर किए, और इस पूरे केस में खास करके हमारे जो ऑफिसर अच्छा काम किए हैं उसमें डीसीपी वेस्ट जोन एआर श्रीनिवास के लीडरशिप में, उनके हमारे जो इंस्पेक्टर हैं श्रीनिवास लंगर हाउस के, और डीसीपी राधा किशन राव टास्क फोर्स के, उनके इंस्पेक्टर बी गट्टू मल्लू, और टास्क फोर्स के बाकी ऑफिसर्स बी मल्लिकार्जुन, एल भास्कर रेड्डी, बी दुर्गा राव, मोहम्मद मुजफ्फर अली, ये लोग सब मिलकर काम किए। ये पूरे केस में सीसीएस की तरफ से भी बहुत इनपुट आया और सब लोग मिलकर एक रिकॉर्ड टाइम में एक वीक के अंदर ये सेंसेशनल केस का डिटेक्शन हुआ। ऐसे मौके पे मीडिया के तरफ से, प्रेस के तरफ से पब्लिक को एक हम अपील करते हैं कि हैदराबाद शहर में 99% केसेस का डिटेक्शन सीसीटीवी कैमरा की मदद से हो रहा है और रिकॉर्ड टाइम में हो रहा है। सेंसेशनल से सेंसेशनल केस भी हम लोग जल्दी से जल्दी डिटेक्ट कर रहे हैं। ऐसे मौके पे आप लोग मीडिया से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि एक अवेयरनेस कैंपेन बढ़ाएं, जिसमें कि आज की तारीख में हैदराबाद में जो 255,000 कैमरा है इसको बढ़ाकर हम लोग 500,000 कैमरा करेंगे, और इस कॉपरेशन से, इस पुलिस प्रेस पब्लिक पार्टनरशिप से हम लोग गारंटी करते हैं कि हैदराबाद को बिल्कुल जीरो क्राइम सिटी बनाकर हम लोग को रखना है, और इसमें हम लोग सब आपका कॉपरेशन चाहते हैं, और आने वाले समय में बिल्कुल हम लोग मिलकर हैदराबाद को एक इतना अच्छा सर्वेलेंस नेटवर्क रखेंगे इस सिटी में कि यहाँ कोई क्राइम करने के पहले लोग 10 बार सोचे कि यहाँ क्राइम करना सेफ नहीं है, और अगर क्राइम करेंगे तो 24 घंटे के अंदर वो लोग पकड़े जाएंगे।